हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिटवीन अस के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को। एंड आई नो कि वीडियो काफी ज्यादा लेट से आ रहा है। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं आजकल काफी ज्यादा बिजी हूँ, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज वीडियो लेकर आ सकूँ। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां टीम उस ट्रिप से वापस आता है और वो फोन पे फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के बारे में सर्च कर रहा होता है और वहां कई सारी बातें लिखी होती है, जैसे कि प्रोटेक्शन जरूरी है और अगर उन लोगों ने इंटीमेट होने का डिसीजन ले लिया है तो उन्हें उस पल को एंजॉय करना चाहिए और मन में कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए। ये सब पढ़कर वो खुद को बार बार यही बात बोल रहा होता है कि वो गिल्टी फील ना करे, क्योंकि वो उस वक्त बहुत परेशान होता है कि वो आगे क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ विन भी वापस आ चुका होता है। वो वॉशरूम में कपड़े चेंज करने आया होता है, तभी उसे टीम के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। वो स्माइल करके कहता है कि टीम सच में एक बच्चा है। आगे सीन चेंज होकर हमें स्विमिंग एरिया का दिखाया जाता है, जहां सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मनाव प्रोक के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या वो प्रोक है। प्रोक उसे वहां देखकर खुश हो जाता है। मनाव उसे बताती है कि टीम की तबीयत खराब है तो वो आज नहीं आएगा, और उसने ये बात उन्हें बताने को कही थी। प्रोक उससे कहता है कि क्या वो मनाव है। मनाव कहती है कि हाँ, और वो लोग शर्माने लगते हैं। तभी वहाँ पे विन आ जाता है और वो प्रोक से पूछता है कि टीम कहाँ है। प्रोक कहता है कि टीम आज नहीं आएगा और यही बात मनाव यहाँ बताने आई है। विन मनाव से पूछता है कि पर क्यों। मनाव कहती है उसे शायद ठंड लग गई है। ये बात सुनकर विन नाराज होने लगता है। मनाव कहती है कि वो सच कह रही है, विन ने उसे यही मैसेज किया था। ये कहकर वो घबरा कर वहाँ से भागने लगती है और विन को सोच कर स्माइल करने लगता है। वही टीम सोया होता है, तभी उसे गेट नॉक करने की आवाज आती है। टीम जाकर गेट खोलता है और जहाँ पे विन खड़ा होता है उसे देखकर टीम वापस से गेट बंद करने लगता है, पर विन गेट पकड़ लेता है और वो जबरदस्ती रूम के अंदर आ जाता है। टीम उसे कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया। विन कहता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है तो वो इसलिए उससे यहाँ मिलने आया है। वो टीम से कहता है कि उसे क्या हुआ है। टीम कहता है कि कुछ भी नहीं, बस वो लेजी फील कर रहा है और उसे सोना है, तो विन अब जाए। ये कहकर वो बेड पे जाकर बैठता है, पर विन उसके करीब आ जाता है और कहता है क्या सच में वो लेजी फील कर रहा है। टीम उसे अपने करीब देखकर नर्वस होने लगता है। तभी विन उसे अपने हाथ में खाना दिखाता है। आगे वो खाना डालकर खाने के लिए बैठता है। टीम उसे कहता है कि वो यहाँ उससे मिलने आया था, उसने मिल लिया तो वो अब जाए। विन कहता है कि वो अपने साथ खाना भी लेकर आया, क्या वो नहीं देख सकता। टीम कहता है तो वो अपने रूम पर जाकर खाए। विन कहता है कि वो दोनों के लिए लेकर आया है तो वो आकर खाने के लिए बैठे। विन उसकी बात मानकर खाने के लिए बैठता है, पर कहता है कि इतना तीखा और मसालेदार खाना बीमार इंसान के लिए कैसे हो सकता है। विन उसे कहता है कि वो चुप से खाना खाए, और तभी टीम के पेट से भूख की वजह से आवाजें आने लगती है। विन स्माइल करके कहता है कि वो खाना खाएगा या फिर नहीं। टीम खाने लगता है, पर वो विन से पूछता है कि विन को टीम के रूम के बारे में कैसे पता चला। और हमें दिखाया जाता है कि विन ने दिन से सारे नए स्टूडेंट्स के साइन अप फॉर्म्स लिए थे और जहां से उसने टीम के सारे डिटेल्स निकाल ली थी, और दिन समझ गया था कि विन कुछ ढूंढ रहा है। वो स्माइल करके कहता है कि क्या उसे वो इंसान मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। विन कहता है कि डिन ये सब क्या कह रहा है। वहीं प्रेजेंट में टीम ये सारी बातें जानकर विन पे नाराज होने लगता है। वो उसे कहता है कि उसने कॉलेज के रूल तोड़े हैं, पर विन उसे खाना खिलाने लगता है। विन कहता है कि वो चुप से खाना खाए, वो इतना क्यों सोच रहा है, और उसने जो कुछ भी किया विन को उसकी जिम्मेदारी लेनी हो
होगी। टीम कहता है कि अगर वो इस वजह से यहाँ आया है तो उसे ये सब नहीं करना होगा, क्योंकि टीम ये सब खुद संभाल सकता है। वेन कहता है तो वो टीम के पास किस वजह से आ सकता है। टीम कहता है पर वो बिल्डिंग के अंदर कैसे आया। वेन उसे अपना कार्ड दिखाता है कि वो भी यहीं पे रहता है। टीम ये देख कर नर्वस हो जाता है। वेन उसे कहता है कि ये तो उनकी किस्मत है, क्या उसे ऐसा नहीं लगता। टीम कहता है कि ये बस उसका कर्मा है और वो लोग खाने लगते हैं। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ए बी और सी क्लास में पहुँचती है और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बी कहता है कि क्या टीम आज भी स्विमिंग क्लब में नहीं आएगा, और विन बहुत ज्यादा नाराज होता रहता है। अगर टीम आज भी नहीं आया तो वो भी नहीं जाएगा और वो लोग साथ में क्लब में जाएंगे, यही सही होगा। सी उसे कहता है कि प्रूफ ने उसे बताया कि विन भी आज क्लब में नहीं आएगा। ये सुनकर ए और बी खुश हो जाती हैं। वो लोग बात करते हैं कि पता नहीं विन की जबान इतनी तेज क्यों चलती है, वो दिन भर हमेशा सब पे नाराज होता रहता है और सबको डांटता रहता है। तभी क्लास में मैम अटेंडेंस ले रही होती है और एक लड़के का नाम पुकारती है, पर वो लड़का क्लास में नहीं होता। और जब से उनके सेमेस्टर शुरू हुए हैं, वो लड़का तब से ही कॉलेज नहीं आया और टीचर बताती हैं कि उन्होंने उस लड़के का चेहरा भी नहीं देखा। अगर वो क्लास में नहीं आया तो उसे एफ मिलेगा। ये सुनकर ए बी और सी बातें करने लगती हैं कि आखिर वो लड़का कौन है। वहीं टीम बर्तन साफ कर रहा होता है। विन उसे कहता है तो क्या वो बताएगा कि वो आखिर कॉलेज क्यों नहीं आया। टीम कहता है क्योंकि वो लेजी है। विन कहता है कि वो लेजी है और इस वजह से वो कॉलेज नहीं आया, ये बात वो समझ सकता है। पर टीम जैसा लड़का जिसे स्विमिंग से इतना ज्यादा प्यार है, उसे अपने स्विमिंग क्लब में तो आना चाहिए। टीम उसे कहता है कि वो बस लेजी है। और क्या विन लेजी का मतलब समझता है। विन उसे कहता है या वो विन को इग्नोर करना चाहता है इसलिए वो कॉलेज नहीं आ रहा। टीम कहता है कि वो चुप रहे और टीम के पास कोई और रीजन नहीं है विन को इग्नोर करने का। विन उसे कहता है कि क्या वो उस रात की वजह से बुरा फील कर रहा है। टीम कहता है कि वो बात नहीं है। विन स्माइल करके कहता है मतलब उसे वो सब अच्छा लगा था। टीम कहता है कि वो अपने बारे में इतना ज्यादा ना सोचे। विन उसे कहता है पर टीम ने तो ये नहीं कहा कि वो उस रात के बारे में बुरा फील कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे वो सब अच्छा लगा था। टीम उस पे पानी के छींटे मारता है और कहता है कि वो वापस जाए। विन कहता है पर क्यों, वो यहाँ टीम से मिलने आया है और टीम उसे ऐसे यहाँ से भगा रहा है। पर टीम उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है, पर विन उसे रुक कर कहता है कि विन के लिए वो सब बहुत ज्यादा अच्छा था और उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी टीम विन को हिया विन बुलाता है। ये सुनकर टीम बिल्कुल चुप हो जाता है, पर वो विन को वहाँ से भगाने लगता है। विन जाने लगता है पर वो बार बार यही पूछता है कि क्या टीम को वो सब पसंद आया। टीम कहता है कि विन बहुत बातें करता है, ये कहकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। विन के जाने के बाद टीम खुद को संभालने लगता है और वो शर्मा रहा होता है। वहीं विन को वहाँ से जाते वक्त तुल मिलता है। वो विन से कहता है कि विन इस फ्लोर पे क्या कर रहा था, उसका रूम तो नीचे है। विन कहता है कि वो अपना काम करे, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें विन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विन का भाई वान गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि वो अब बड़ा हो गया है, पर वो अब भी बस दिन रात गेम ही खेलता रहता है। ऐसे वो लोग उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तब वो उन लोगों का और सब कुछ का ख्याल रखेगा, वो बच्चों जैसा एक्टिंग करना बंद करे। वो लोग उसे बार बार कह कह कर भी थक गए हैं। अगर वो इतना ज्यादा फ्री है तो वो
फैमिली बिजनेस का काम संभाल सकता है। वान उनकी बातें चुप से सुन रहा होता है, पर वो आखिर में उन्हें कहता है कि वो यही कर सकता है जो वो लोग देख रहे हैं। अगर वो इससे ज्यादा चाहते हैं, तब उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए। ये कहकर वो अपने रूम पे चला जाता है और उनके डैड उनकी मॉम को डांटने लगते है कि वान उनकी ही वजह से ऐसा हो गया है, और वो तभी किसी की भी बात नहीं सुनता। और वहीं वान अपने रूम पे आता है, वो देखता है कि उसने गेम का माइक बंद ही नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है कि वान जिस इंसान के साथ गेम खेलता है वो इंसान तुल होता है। वान कहता है कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया। तुल कहता है कि हाँ, पर वो वैसे भी किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता, अगर वो चाहे तब भी नहीं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते कि वो दोनों कौन है। बस उसे उसका नाम पता चल गया जो कि वान है। वान उसे कहता है कि वो चुप रहे। तुल उसे कहता है कि क्या उसके मन में कुछ ऐसा है जो उसे बताना चाहेगा। वो लोगों के मन की बातें सुनने में बहुत अच्छा है। वान कहता है कि वो अपने पर्सनल चीजों के बारे में एक अजनबी को क्यों बताएगा। तुल कहता है कि अगर वो उसे बताएगा तो तुल बस सुनेगा और वो किसी को भी इस बारे में नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसे नहीं जानता। तो जो भी बातें उसके मन में है वो उसे बता सकता है। वान कहता है कि वो एक बुरा बड़ा भाई है। वो जितनी भी कोशिश करे वो उनके भाइयों के लिए कभी भी काफी नहीं होता। तुल कहता है कि क्या उसने अपने भाइयों से कभी भी खुलकर बातें की है। वान कहता है कि वो तुल को आज बस इतना ही बताएगा और वो गेम में लॉग इन करे, वरना वो किसी और के साथ खेलेगा। तो तुल कहता है कि ठीक है, वो लॉग इन कर रहा है और तुल स्माइल करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि टीम कॉलेज जा रहा होता है। वो अपने कार के पास खड़ा होता है कि तभी विन भी वहां आकर कार का गेट खोलता है। टीम उसे देखकर कहता है कि वो यहां पे क्या कर रहा है। विन कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। टीम कहता है पर क्यों, उसकी बाइक कहाँ है। विन कहता है कि गैस का दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो लोग एक ही जगह तो जा रहे हैं, तो उसे अपने साथ ले चले। टीम कहता है कि उसके जैसा लड़का जो कि रिजॉर्ट का मालिक है, उसे गैस के दाम से कब से फर्क पड़ने लगा। विन कहता है क्या टीम विन की जासूसी करता है। टीम घबरा कर कहता है कि वो अगली बार से अच्छे से झूठ कहेगा, और वो लोग साथ में चले जाते हैं। वहीं कॉलेज में फॉर्म बैठा होता है और वो याद करता है कि किसी फटने की आवाज सुनने की वजह से वो घबरा गया था और उसे विजन्स आने लगे थे। तभी डीन ने आकर उसे संभाला था, और हमें दिखाया जाता है कि डीन उसे अकेला बैठा देखकर उसके पास आ रहा होता है, पर तभी मनाव भी वहां आ रही होती है। वो डीन को देखकर घबरा जाती है, पर उसे हेलो बोलती है और आकर फॉर्म के पास बैठती है। डीन फार्म से कहता है कि वो अब कैसा है, क्या वो अच्छा फील कर रहा है। फार्म कहता है कि हाँ, वो अब ठीक है। तभी वहाँ पे टीम आता है और वो आकर डीन को हेलो बोलता है। डीन फार्म से कहता है पर फार्म ने तो डीन को कहा था कि टीम आकर आज उसे पिक करेगा। फार्म कहता है कि टीम आज लेट से उठा था तो इसीलिए फार्म अकेले आ गया। डीन कहता है कि वो कल के बारे में कहना ना भूले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टीम और मनाओ फार्म से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। फार्म कहता है कि कल कॉलेज के बाद वो जा रहा था तो वहाँ पे बम फटने की आवाज आई, और जिससे फार्म घबरा गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। डीन ने उसे वहाँ उस हालत में देखा तो उसने आकर फार्म की हेल्प की और वो उसे हॉस्पिटल ले गया। ये बात सुनकर मनाव और टीम घबरा जाते हैं। वो फार्म से पूछते हैं कि क्या वो अब ठीक है। फार्म कहता है कि हाँ, वो ठीक है, और उस वक्त अगर वो थोड़ी देर बैठकर आराम करता तब भी वो ठीक हो जाता, पर डीन उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। मनाव कहती है कि अगली बार से अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो उन लोगों को कॉल कर दिया करे। अगर आज डीन यहाँ पे नहीं आता तो फार्म उन्हें इस बारे में कभी भी नहीं बताता, और अगर डीन ने उसे उस हालत में ना देखा होता
तो पता नहीं क्या होता। फार्म उन्हें सॉरी बोलता है और कहता है कि वो अगली बार से उन्हें सारी बातें बताएगा जब भी ऐसा कुछ भी होगा। ये कहकर वो उन लोगों से प्रॉमिस करता है। टीम फार्म से कहता है कि डीन अभी किस बारे में बात कर रहा था। फार्म कहता है कि टीम कल फार्म को पिक करने न आए क्योंकि डीन उसे सुबह पिक करने आएगा और बस एक बार के लिए, क्योंकि फार्म को डीन को थैंक यू बोलना है तो वो उसे ब्रेकफास्ट बनाकर देना चाहता है। ये सुनकर मना फार्म को छेड़ने लगती है और फार्म स्माइल करने लगता है, पर वो टीम से कहता है कि आज टीम को क्या हुआ, वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है। टीम कहता है कि उसे किसी ने परेशान किया है। मनाओ कहती है कि किसने ऐसा करने की हिम्मत की। टीम कहता है कि क्या वो उस इंसान से जाकर टीम के लिए झगड़ा करेगी। मनाओ कहती है कि नहीं, वो तो उस इंसान को थैंक यू बोलेगी कि उस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया, और ये सुनकर फार्म हंसने लगता है। टीम कहता है कि वो सबके बारे में बोलती है पर सारे लोगों ने उसे देखा है कल उसने जो कुछ भी किया। मनाओ ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो उन दोनों को सारी बातें बता देती है कि वो कल प्रुक से मिली थी और वो लोग साथ में खाने पे गए थे और उसी ने उसे घर तक भी छोड़ा था और उसने मनाओ का नंबर मांगा पर मनाओ ने उसे अपना नंबर नहीं दिया। फार्म कहता है तो क्या इसीलिए वो कल उसके साथ वापस नहीं गई थी। टीम कहता है कि उसने तो बस यही सुना था कि वो प्रुक से बात करने स्विमिंग क्लब के पास गई थी, उसे इससे ज्यादा पता नहीं था। और टीम और फार्म मिलकर मनाओ से पूछने लगती हैं कि वो उन्हें सारी बातें बताए। मनाओ उनसे घबराने लगती है और कहती है कि उसने उन दोनों को सारी बातें पहले ही बता दी, बस थोड़ा बहुत झूठ कहा पर सारी बातें सच है। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।